नमस्कार, हम माने जीत कुमार और सब चालू कर दिल बने निस्तक भोजपुरी देखे। तो भैया आज हम बात कर रहे हैं, हम आज बात कर रहे हैं एक क्वेश्चन भोजपुरी सिनेमा, जरा फिल्म का नाम है भैया दत्तक पुत्र। देखिए दत्तक पुत्र के फिल्म के अभी दो तीन दिन भाई ट्रेलर रिलीज भाई, एक आज हम रिव्यू करें और जाने की कोशिश कर ली कि फिल्म में का बटे। हाँ, सब कुछ जाने की कोशिश कर ली कि फिल्म में का बटे और का ये फिल्म के खास बना रहा भैया, का ये फिल्म के खास बना रहा। चलिए सब कुछ देखा तो काम करे, चैनल बनाए बने, सब्सक्राइब करे, लाइक करे, कमेंट करे, सब कुछ करके भर दिए। चलिए मेरे वीडियो को चालू कर लिया, जरा फिल्म का नाम बा दत्तक पुत्र। देखिए दत्तक पुत्र के ट्रेलर रवल देखा ना, तो पिता पुत्र के कहानी दिखाए कुछ कुल, हाँ पिता पुत्र के कहानी दिखाए कुल बा, और अयोध्या उत्तर प्रदेश राम श्री राम हनुमान ये सब कुछ जोड़ के फिल्म में दिखाए कुछ। देखिए भोजपुरी सिनेमा के अब विडम्बना जो है बता दें, हाँ विडम्बना देखिए हमें विडम्बना ही कह सकते हैं, मतलब अब भोजपुरी सिनेमा पूरा तरीके से राममय हो गए, राम भरोसे हो गए। पता बटे कि यार हमने के जो कंटेंट बनाओ तो चल रहे बहुत तरह, अभी मतलब राम जी के प्राण प्रतिष्ठान होके वाला बटे, तो शायद अभी मतलब राम जी के अभी क्रेज चल रहा बात है, पर लहार लूटल जाए कुछ पैसा कमाइल जाए और खुद नाम के बेचल जाए। अगर देखिए भोजपुरी सिनेमा में मतलब धर्म के जिक्र करके के बार बार और वो चीज़ के इम्प्रूव कर चाहते थे, लेकिन कुछ भी ऐसा फिल्म में नहीं रहा जो ना कि लेके कह जाओ कि हाँ ये फिल्म खास बटे। लेकिन ये फिल्म में पुता पिता और पुत्र के थोड़ा सा जो खास इम्पैक्टफुल कुछ डायलॉग्स जो ट्रेलर में सुने के मिल जाते वो काफ़ी प्रभावित कर रहा बा, काफ़ी प्रभावित कर रहा बा, और शायद ये प्रभावित वाला ट्रेलर कुछ यूनिक हो सक रहा है। लेकिन ये फिल्म के पोस्टर जो ना घड़ी आई और ये फिल्म के ट्रेलर जो ना अचानक से रिलीज भैल, पता ही ना चल कि फिल्म के मतलब डायरेक्टर मेकर्स लोग कल का चाहते रहे जहाँ कल का चाहते रहे। लेकिन हम लोग को पता हुआ कि भैया हमारा कंटेंट पर अपना कंटेंट पर हम लोग खुद विश्वास नहीं कि ए लिए अपन फिल्म के ट्रेलर के भी वो तरह के प्रमोट ना कर पावलन जा, वो बड़ा लेवल पर प्रमोट ना कर पावलन जा, और ए लिए ही ये फिल्म के अपन औसत दर्जा के समझ के ही औसत दर्जा के जैसन ही रख पावलन जा, और यही के चलते भोजपुरी सिनेमा के ई हाल बा, ई हाल बा भैया ई हाल बटे। क्या कि फिल्म का ट्रेलर आए बटे, बहुत लोग फिल्म के ट्रेलर तक के भी ना जानते हो कहीं जा कि का बा कैसन बा कितने के बा और कितना कमाल के बटे, सही बताओ तो नहीं कितना कमाल के बा ई तक भी ना जानते हो कहीं जा। तो बाकी हम और कहानी के बारे में हम का ही कह सकते हैं भैया, और कहानी के बारे में का ही कह सकते नहीं बता दें। फिल्म का निर्माता खुद विनोद कुमार गुप्ता और चेतन गोयल फिल्म के निर्माता लोग, अभी निर्माता लोग भी ऐसा कुछ नहीं खेला, जब निर्माता के ना लगी तो हम सब कुछ तो भाई अब ब्राह्मण लोग बता ना सकता नहीं। अब निर्माता बन गए सब खाली पैसा मोटका मोटका रकम लगा दे तो फिल्म भैया चलाना लग। लेकिन ये लोग को पता है भैया कि यश कुमार के एगो फाइनली रिकवरी बटे जो ना के चलते हमारा फाइनली फिल्म बिक जाए और बिक जाए हमारा पैसा भैया आज जो में 2-4 लाख हमको फायदा भी हो जाए। अब निर्माता के बस एक मतलब बटे, बाकी चीज़ से कुछ मतलब नहीं है। उनका पता है कि यश कुमार पर हम जितना लगाओ तो नहीं हमको 2-4-5 लाख रुपया बढ़ के मिल ली और बस बढ़ के मिल ली, फिर हमारा भैया बल्ले बल्ले बाकी बाहर में जाओ फिल्म इंडस्ट्री उसे हमारा कौनो दूर दूर तक लगाओ नहीं के। हम कहने के पता है कि विनोद कुमार गुप्ता और चेतन गोयल इससे पहले कत्ता फिल्म बनले बन जा, लेकिन ये फिल्म तो भैया बनले बन जा, हाँ ये फिल्म तो बनले बन जा। बाकी फिल्म का देखिए तो डायरेक्ट कर फिल्म का भैया डायरेक्ट कर और कहानी भी लिख रहे प्रमोद शास्त्री। अब प्रमोद शास्त्री के बारे में बता दी कि प्रमोद शास्त्री बहुत सारा फिल्म कर चुके और ये फिल्म कले बड़ा यश कुमार के साथ, इससे पहले अरविंद कला कलू के साथ भी कई सारा फिल्म कर चुके हैं। अभी मेरे कि यश कुमार के साथ कले बड़ा तो मैं कितना उनका काम करेगा मजा आई बटे, ये खुद प्रमोद शास्त्री ही कह रहा बड़ा। कहे कि देखिए बतौर एक्टर और बतौर गायक बनल एक्टर में बहुत जमीन आसमान के अंतर पड़ेगा। कहीं ऐसे तो गायक तो आजकल यश कुमार भी हो गए बड़ा, देखिए भोजपुरी इंडस्ट्री के मतलब एक अलग ही चूल कर ला ओकरा कुछ देर बाद बताए। तो अब मैं मतलब जो ना हिसाब से यश कुमार एक्टिंग कले बड़ा शायद पिता पुत्र वाली कॉम्बिनेशन बहुत ही शानदार दिखावे की कोशिश कर रहा, ट्रेलर में अच्छा दिख भी रहा बा, हाँ ट्रेलर में अच्छा दिख भी रहा बा, यश कुमार अच्छा काम कैले बा। अब पूरा फिल्म कितना इम्पैक्ट डाली ये सब कुछ देखल इम्पोर्टेंट और इम्पोर्टेंट होके वाला बटे। बाकी फिल्म के स्क्रीन प्ले और डायलॉग एस के चौहान के बाद, एस के चौहान अक्सर यश कुमार के फिल्म के डायलॉग स्क्रीन प्ले लिखत नजर आवल, हाँ लिखत नजर आवल जो ना फिल्म में यश कुमार कहानी लिख रहा और फिल्म के स्क्रीन प्ले डायलॉग खुद एस के चौहान ही लिखेलन। तो यश को भैया एकदम संपर्की कहला बढ़ जाए फिर का ही कह जाए। बाकी यश कुमार के मैं कहानी के हिसाब से अच्छा दिखत रहा, लेकिन यार लुक्स हर बार ये कहीं बाटे ये थोड़ा सा बहुत ही खटकेला, बहुत ही खटकेला यश भैया कुछ तो चेंज करा यार, बहुत ही खटकेला। बाकी ये फिल्म उनका अगर देखल अपेक्षा तो ठीक ठाक कहल जा सकेला। बाकी सुबी शर्मा भी है बाड़ी, विनोद मिश्रा उनका पिता के रोल पर शानदार दिखत रहन और सुबी शर्मा भी अच्छा दिखल बाड़ी। बाकी देव सिंह के बारे में कहा कहल जाओ भैया एक ही दैसन रोल में फ्लैटेड फ्लैटेड नजर आओ रन। बाकी शैलेश श्रीवास्तव चंदन कश्यप समर्थ चतुर्वेदी
संजय वर्मा, राधे खान, ग्लोरी मोहंता, बबलू खान जैसे स्टार कास्ट भी अपन अपन ये फिल्म में योगदान दे बन जब। तो ये फिल्म अगर देखल जाओ तो ठीक ठाक कहल जा सकेला पिता पुत्र के, जैसे कि दोस्ती प्रति पांडे चिंटू का है और टक्कर के फिल्म बटे देखे में मजा आ सकेला। हाँ मजा आ सकेला अपना लोगों के ये फिल्म देख बट तो कब रिलीज हो जैसे अपडेट आई हम बताए। बाकी रिव्यू में बस इतना ही, रिव्यू कैसा लगा जरूर बताए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और देखते रहें जा निश्चित भोजपुरी। बाकी वीडियो में इतना ही, हम जीत।